मॉर्निंग. आज का दिन बहुत ही एक्साइटमेंट से भरपूर होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ काला घोड़ा फेस्टिवल विच इज सो फेमस फॉर मुंबई कर स्पेशली. आई एम श्योर लोग बाहर से भी आते होंगे बिकॉज इट इज वेरी ह्यूज एंड वेरी फेमस. एंड कमल मेरे साथ जा रहे हैं. सो दिस फेस्टिवल इज बेसिकली अबाउट म्यूजिक, डांस, आर्ट, फूड एंड मेनी मोर थिंग्स. बट मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बात नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे खुद बहुत ज्यादा पता नहीं है. एंड दिस इज एज कमल टोल्ड मी दिस इज द 20th टाइम दैट काला घोड़ा फेस्टिवल इज हैपनिंग इन मुंबई. सो 20 सालों से ये काला घोड़ा फेस्टिवल हो रहा है. एनीवे सो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि मुझे खुद भी ज्यादा पता नहीं है काला घोड़ा फेस्टिवल के बारे में. अब सीधा हम आपको चल के दिखाते हैं क्या है ये काला घोड़ा फेस्टिवल. सो लेट्स गो. बाय द वे हम लोग रहते हैं अंधेरी में. काला घोड़ा फेस्टिवल पे पहुंचने के लिए हम लोगों को लगने वाले कम से कम 1.5 घंटा. ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले हैं लेकिन लंच टाइम होने वाला है ऑलमोस्ट क्योंकि हम लोगों ने लेट ब्रेकफास्ट किया. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग पूरी तैयारी से आए हैं. कुछ हेल्दी खाना था इसलिए खिचड़ी, हाइड्रेटेड रहना था इसलिए पानी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने रखी है, चार्जर, पोर्टेबल, ये सब सब कुछ रखा है. तो आप लोग भी जब निकलो पूरी तैयारी से निकलो. सो प्रिटी. मतलब बॉम्बे में आने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं है मुझे लगता है जो यहाँ से गुजरता हो और यहाँ की वीडियो ना बनाता हो. सीलिंग इतना खूबसूरत है, वीडियो में जस्टिस नहीं कर पाता है. बट जो भी बॉम्बे आए एक बार सीलिंग से जरूर गुजरे. भाई ये अलग ही बॉम्बे है. दिस इज साउथ बॉम्बे और यहाँ पे लोग अपनी औकात में रह के गाड़ी चलाते हैं. लोग तरीके से गाड़ी चलाते हैं, है ना, लेन डिसिप्लिन फॉलो करते हैं. यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है. ऐसे नहीं यहाँ पे चलाते हुए फिर इधर चले जाओ अपनी मर्जी से फिर इधर चले जाओ. मतलब थोड़ा तहजीब से गाड़ी चलाते हैं. जो लोग अंधेरी में गंद डालते हैं ड्राइविंग में वो लोग भी यहाँ पे तरीके से गाड़ी चलाते हैं. इट्स लाइक जब जाके इंडिया के लोग जो है बाहर कंट्री में जाते हैं तो सीट बेल्ट, अनुशासन, हर चीज, ट्रैफिक फॉलो, पेपर का एक कतरा भी बाहर नहीं फेंकेगी खिड़की से. वहाँ जाके सीधे हो जाते हैं लेकिन अपने देश में इनको बहुत प्रॉब्लम आती है रूल्स फॉलो करने. तो कुछ है हमारे जानने वाले जो ये वीडियो देखने वाले हैं जो यहाँ, नाम नहीं लूंगी, मेरे अच्छे दोस्त हैं जो लोग इंडिया में रह के कोई भी वीडियो उनकी मैं देखती हूँ, स्टोरी देखती हूँ, कभी भी सीट बेल्ट नहीं पहनते. उनको मैं कमल स्पेशली 1000 बार मैसेज करते हैं यार तुमने फिर उस वीडियो में सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, तुम लोग सीट बेल्ट क्यों, पर वो नहीं सुनते हैं. अभी वो गए हुए हैं कहीं बाहर कंट्री में इस वक्त, तो वहां पे लगा रहे हैं दोनों सीट बेल्ट. तो हमने फिर से पूछा क्यों भाई यहाँ पे सीट बेल्ट क्यों लगाई है. अरे वो यहाँ पे क्या है ना ऐसे अलाउड नहीं. भाई अलाउड तो हमारी कंट्री में भी नहीं है बट यहाँ पे तो आप लोग मानते नहीं हो. जबकि ये पता है आपको सीट बेल्ट जो है वो आपकी सिक्योरिटी के लिए है. तो हमेशा सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट पहनो और ट्रैफिक रूल्स को हमेशा फॉलो करो. भाई ये कोई तो रेलवे स्टेशन है. कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है. कम्मू पक्का रेलवे स्टेशन है. ये देखो कितना सुंदर स्टेशन है. ये तो महल लग रहा है कोई. तो मैंने इधर ये ऑटो वाले भैया से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये CST स्टेशन है. ये ब्रिटिश के टाइम का बना हुआ स्टेशन है, ब्रिटिशर्स के टाइम का. मैं अब इसके अंदर आने के लिए एक दिन ट्रेन से स्पेशली ट्रैवल करूंगी. जो कमल को लग रहा है बिल्कुल नहीं होने वाला है. नहीं क्यों, जब मैं वो वहाँ क्रॉफर्ड मार्केट गई थी तो जब मैं ट्रेन से गई थी तो मुझे एक्चुअली CST उतरना, पता है यहाँ से बहुत पास है CST स्टेशन से क्रॉफर्ड मार्केट. मैं डेफिनेटली आने वाली हूँ. मेरा कुछ नहीं पता, मेरा मन किया तो मैंने जाते हुए तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है. हम पहुंच गए यहाँ पे बट द लाइक सैड पार्ट इज पता है पार्किंग कितनी ले रहे थे, टेकिंग अबाउट 300 bucks जस्ट फॉर पार्किंग योर कार. लाइक काला घोड़ा वाले नहीं ले रहे हैं बट बाहर इन लोगों ने ये जो शुरू किया हुआ है कि हाँ भाई हम पार्क कर देंगे गाड़ी एंड ऑल दैट, दे टेकिंग 300 rupees फॉर चार्जिंग.
सो कोशिश करो कि कार में नहीं आओ और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो या कुछ ऐसा कर लो. भाई अंदर एंटर होते ही घुसते ही पता चल गया है सुंदर सुंदर चीजें देख के कि हम खर्चा करने वाले हैं, तो इसलिए अब हम पहले छोड़ के एटीएम जा रहे हैं और कुछ कैश निकलवाने वाले हैं. पे एक सेक्शन है आर्ट्स रिलेटेड जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने क्राफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं. किसी ने म्यूजिक रिलेटेड कुछ बनाया है, किसी ने कोई मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की है बेटी बचाओ, या फिर किसी ने वेस्ट चीज़ों से कुछ बनाया है, न्यूज़पेपर से कुछ बनाया है. ओके और एक बड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक स्कूल के बच्चे उसमें लिखा है कि कुछ सालों से जो भी बचे हुए क्रेयॉन्स और जो स्केच पेन्स है वो इकट्ठे कर रहे हैं और कुछ इस तरीके का उन्होंने बड़ा कलरफुल सा ये बनाया है वेस्ट क्रेयॉन से और बचे हुए स्केच पेन से. ज्वेलरी मेड आउट ऑफ सिरेमिक एंड देन वी हैव टेराकोटा. थैंक यू भाग्यश्री. सो दैट वॉज द लिटिल पॉटरी सेक्शन जहाँ पे लाइव आपको पॉटरी हो रही है और आपको जो भी कुछ चाहिए वो आप उनसे बनवा के ले सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दैट सेक्शन टू. नहीं पता हम एग्जैक्टली किधर जा रहे हैं, किधर चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे रास्ता मिल रहा है वहाँ पे चल ही जा रहे हैं क्योंकि एवरीवेयर इज सो ब्यूटीफुल. मेरे को नहीं पता सेक्शंस वेक्शंस क्या हैं. यहाँ आओ, घुसो अंदर और उसके बाद बस चलते जाओ. ये मत देखो यहाँ जाना है वहाँ जाना है, जस्ट इंजॉय. मतलब द होल वाइब इज सो अमेजिंग, फैंटास्टिक. यू कैन स्पेंड पूरा का पूरा दिन यहाँ पे जब भी यहाँ पे. तो यहाँ पे आओ काला घोड़ा फेस्टिवल पे. अगर आप इन्हीं दिनों में आ रहे हो तो अपनी एक खाली बॉटल कैरी कर लो अगर थोड़े से पैसे और बचाने हैं, क्योंकि ये बिस्लेरी का एक स्टेशन है. ये है रिफिल स्टेशन है. सो बेसिकली मतलब नॉर्मल फुल न्यू बॉटल भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास अपनी खुद की बॉटल है तो 5 रुपए में वो आपको आपकी बॉटल भर के देंगे. अब ऐसा बड़ा वाला कूलर मत ले आना 5 रुपए में एक्सपेक्ट करके. सो हमने पहली बॉटल ही 10 रुपए की ली क्योंकि हम खाली बॉटल यहाँ पे कैरी नहीं किए थे. उसके बाद हम जितनी बार भी आएंगे 5 रुपए में इस बॉटल को रिफिल कर सकते हैं. क्या फील है यहाँ पे देख लो जरा, ये देख लो सब बच्चे भरे हुए हैं, आधे से ज्यादा बच्चे मैं लिख के दे सकती हूँ स्कूल और कॉलेज से बंक मार के आए हुए हैं. ये देख लो बचपन में जैसे मेले लगते थे ना, अभी ये बस थोड़ा फैशनेबल सा मेला है, पर अदरवाइज जो बचपन में मैं जिन मेलों के लिए जाया करती थी ये कम्प्लीटली वैसा ही है, बस थोड़ा सा थोड़ा नहीं काफी अपग्रेड हो चुका है. दैट्स ऑल, दैट्स द डिफरेंस. ज्वेलरी, चप्पले, डेकोरेटिव, टेबल लैम्प्स, बेड साइड लैम्प्स, यू नेम इट एंड दे हैव इट. बार्गेनिंग यहाँ पे भी हो सकती है तो बार्गेनिंग जरूर करो. हाउ आर यू फीलिंग कमल? मुझे क्या दिलाने वाले हो तुम? मैं तुम्हें वाटर बॉटल तो दिला दी है, बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? वो मतलब शॉपिंग क्या करवाने वाले हो? शॉपिंग जो तुम्हें चाहिए वो ले लो. पैसे कौन देगा? बेसिकली इम्पोर्टेंट बात वो है. पैसे तुम्हारे हाथ से जाएंगे दुकान वाले के पास. किसकी जेब से जाएंगे? मेरा वॉलेट किसकी जेब में?
लगी हुई कि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो पहले मुझे खाना खाना ही है। मैं पागल हो गई हूँ, मुझे पानी पूरी खानी है। जलेबी 5 पीस। जलेबी है यहाँ पे। जलेबी है, चाट है, समोसे है, पानी पूरी है, मैं तो पागल हो जाऊंगी, सब कुछ खाऊंगी मैं। डाइट की माँ की। Oh damn cheap, like cheap नहीं, reasonable, very reasonable. इस स्टॉल पे आओ, चेतना वेज रेस्टोरेंट, और यहाँ पे निकाल दिया तो इसको निकल ही है, लगा दे कोको किसी तरह। हम पानी पूरी खाएंगे। मी योर फेस, दैट्स इट ना, माय फेस व्हाइल व्हेन आई एम अबाउट टू ईट पानी पूरी, दिस इज माय फेस। हम खाएंगे दही कचौड़ी। गेस करो हम नेक्स्ट चीज क्या खा रहे हैं, गेस करो। रसगुल्ले। Coming back from Bhandathara, I bought couple of nice electric diffusers for my house, but I never got the oil, so I think I'm gonna buy some oil from there. Okay, so this is it. I hope मैंने सब कुछ देख लिया हो, I hope मुझसे कुछ रहा ना गया हो, और मैंने बहुत अच्छे से पता किया है कि यही है ना, बस यही है ना। बट अगर कुछ रह गया है और आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैंने क्या नहीं देखा और मैंने क्या मिस कर दिया। एंड या दिस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, चीज़ें बहुत महंगी भी नहीं थी, दैट वाज द बेस्ट थिंग। बट आई डिडंट बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई जस्ट बॉट व्हाट आई रियली नीडेड, विच वाज ऑयल फॉर माय डिफ्यूजर्स। So anyway, it was a great experience for me. If you have a day off and if you want to shop a little, or maybe you know just go out with your friends, then this is a great option to come to Kala Ghoda festival. And a very good part about this Kala Ghoda festival is that entry to everything is free. मतलब जितनी जगहों पे मैं गई हूँ वो तो सब चीज़ों की एंट्री फ्री थी, चाहे वो आर्ट सेक्शन हो या वो फूड सेक्शन हो। मतलब ऐसे नहीं कि एंट्री फीस है, जैसे जब मैं लिटिल फ्री गई थी तो वहाँ पे कुछ 200-300 रुपए तो सिर्फ एंट्री थी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अंदर जाके आप अपनी मर्जी से क्या खर्च कर रहे हो पता नहीं, बट जो एंट्री है वो कोई चार्जेस नहीं है उसके, सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। So this is how I end my vlog. If you have still not subscribed to my channel, please, please, please subscribe to my channel. And do let me know in the comment section what else is happening in Mumbai these days. I might go and cover it and experience it.